हेड नेक टेल एंड मिडिल पीस हमें इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है ओके सो स्पर्म होता क्या है स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव गीट होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से फॉर्म होता है और ये कहाँ पे फॉर्म होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म होता है टेस्टिस के ओके okay. और ये जो है ये हैप्लोइड होता है मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 23 ये स्पर्म का जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है द स्पर्म की बॉडी जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है व्हिच इज हेड मिडिल पीस और मिड पीस टेल ओके सो जो हेड है हेड में हमें थ्री चीजें इसमें दिख रही हैं विच इज नंबर वन एक्रोजोम सो हेड जो है वो ओवल शेप का होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता? होता है एक्रोजोम प्रेजेंट होता है एक्रोजोम की कैप प्रेजेंट होती है जो कि बेसिकली क्या काम करती है ये ऊ साइड या एग जो होता है ओवम उसको रिकोगनाइज करती है और फर्टिलाइज करती है ओके okay, और इसी के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है व्हिच इज इन द न्यूक्लियस आता है मिडिल पीस जिसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है सो मिडिल पीस जो है वो क्या है सेंट्रल पार्ट है जिसमें क्या है माइटोकांड्रिया और माइटोकांड्रिया को हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं मतलब ये क्या करता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को किसके लिए फॉर स्विमिंग और फॉर मोटिलिटी तो स्पर्म जो है वो ऊ साइड की तरफ स्विम करके जाता है यूट्रस में और वो किसकी थ्रू किसकी हेल्प से जाता है जो माइट्रोकॉन्ड्री उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है उसकी हेल्प से जाता है ओके okay, सो so जो हमारा हेड है और जो मिडिल पीस है उसको कौन कनेक्ट करता है उसको नेक कनेक्ट करता है सो so ये एरिया जो है ये नेक होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है इसमें जो है वो प्रोक्सीमल और डिस्टल सेंट्रियल प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन कब होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम होता है ये ऊ साइड के फर्स्ट क्लीवेज में काम आते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है विच इज टेल टेल को हम क्या बोलते हैं इसको हम फ्लैजुल भी बोलते हैं और ये क्या करती है ये वेव लाइक मोशन देती है स्विम करने के लिए सो इट प्रोवाइड्स वेव लाइक मोशन टू स्पर्म और इससे क्या होता है पेनेट्रेशन के लिए ये होती है सो इट एड्स इन पेनेट्रेशन ऊ साइड में पेनेट्रेट करने के लिए तेल में जो है वो हमारे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एग की मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देते हैं कमिंग टू द क्वेश्चन

स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर